डॉक्टर आपका जो इलाज है वो आपके रिपोर्ट देख के करता है। यदि आपका रिपोर्ट ठीक होगा तो आपका इलाज भी ठीक होगा, और आपका रिपोर्ट ठीक तभी होगा जब लैब में जो है आपका जो सैंपल है वो सही से प्रोसेसिंग हुआ हो। यानी कि जो पहला स्टेप होता है वो होता है सैंपल देना। यदि सैंपल आपने ठीक से दिया है या टेक्नीशियन सैंपल ठीक से कलेक्शन किया हुआ है तो आपका रिपोर्ट जो है वो 80% वो ठीक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो एरर होता है वो सैंपल कलेक्शन में ही होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यूरिन रूटीन टेस्ट का सैंपल आपको कैसे देना है ताकि आपका रिपोर्ट ठीक है। देखिए, यूरिन टेस्ट से जो है वो हमें कई सारी बीमारियों का पता चलता है, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, किडनी स्टोन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, और किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो उसका भी हमें पता चलता है, जैसे जॉन्डिस वगैरह हो गया। तो इस सब का पता हमें यूरिन टेस्ट से चलता है। तो यूरिन टेस्ट जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रूटीन टेस्ट होता है, कल्चर टेस्ट भी होता है, 24 आवर्स यूरिन भी होता है। तो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग सैंपल होता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि कल्चर के लिए 24 आवर्स के लिए कैसे यूरिन देना है। आज मैं बता रहा हूँ कि जो यूरिन रूटीन टेस्ट होता है उसके लिए कैसे सैंपल देना है। तो जो यूरिन रूटीन टेस्ट होता है वो एक बेसिक टेस्ट होता है। इसमें आपको किडनी से जो हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, हल्के फुल्के बीमारियों का पता चलता है। तो इसके लिए जो है आप सैंपल जो है वो दिन में कभी भी दे सकते हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे खाली पेट हो, चाहे खाना खाने के बाद, कभी भी आप सैंपल दे सकते हैं। लेकिन जो इसमें सुबह का जो पहला यूरिन होता है, जो सुबह उठ के जो पहला यूरिन हम पास करते हैं टॉयलेट में, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन, वो सबसे अच्छा होता है, वो प्रेफर किया जाता है, उसका रिपोर्ट सबसे अच्छा होता है। क्योंकि उसमें जो है वो रात भर का यूरिन स्टोर होकर रहता है, तो उसका जो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें जो यूरिन में जो केमिकल होता है वो उसमें उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उसका जो रिपोर्ट है वो ठीक आता है। यदि केमिकल टेस्ट करना है तो सुबह का पहला यूरिन जो है सबसे अच्छा होता है। वैसे आप दिन में कभी भी सैंपल दे सकते हैं तो अच्छा रिपोर्ट आएगा यूरिन टेस्ट का। तो यूरिन का जो है वो आपको 180 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का इसका यूरिन टेस्ट का प्राइस है। आप किसी भी लैब में जाएंगे तो इतना कॉस्ट पड़ेगा, डिफरेंस करता है लैब पर, यदि अच्छे लैब में जाएंगे तो 100 रुपये। और इसका जो रिपोर्ट है वो 3 से 4 घंटे में आ जाता है। यदि वर्कलोड ज़्यादा है तो फिर आपको एक दिन में यानी कि 4 से 5 घंटे में इसका रिपोर्ट यूरिन टेस्ट का आ जाता है। तो ये था, आगे मैं बताऊंगा कि कल्चर टेस्ट क्या होता है, उसको कल्चर कैसे देना है सैंपल, और 24 आवर्स यूरिन के लिए कैसे सैंपल देना है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। यूरिन रूटीन टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ वो पिछले वीडियो में, तो वो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट आप कैसे देखेंगे और इसमें क्या चीज़ बढ़ गया, क्या चीज़ घट गया, इससे कौन सी बीमारी होगी, तो वो चीज़ मैंने सारा बताया हूँ रिपोर्ट एक्सप्लेन करके। तो वो आप हमारे यूट्यूब पे जा कर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दिया हूँ।